अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी। एक टेबलस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, एक टीस्पून काली मिर्च, दो सिनेमन स्टिक्स हैं, एक बड़ी वाली काली इलायची है, चार लौंग, एक टुकड़ा जावित्री का और दो बे लीव्स। हम इसे किसी भी कपड़े में बांध देंगे और इसकी पोटली बना देंगे। इनसे हमारे शामी कबाब की खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत मज़े के होंगे। इसकी अब हम पोटली बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ मैंने लिए हैं 8 से 9 जवे लहसुन के, एक टुकड़ा अदरक का जिसको मैंने छोटा काट दिया था, एक अदद प्याज जिसको मैंने रफली काट दिया था, 7 से 8 हरी मिर्चें और 4 लाल मिर्चें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर स्पाइसेस में मैंने लिए हैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट लिया है मैंने 2 टीस्पून लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मिक्स मसाला, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए है चने की दाल जिसको मैंने कुछ घंटों के लिए भिगो के रख दिया था। वन एंड हाफ केजी दाल ली है मैंने। और साथ ही चिकन लिया है 2 केजी। ब्रेस्ट एंड थाइज मिक्स हैं, इससे हमारे कबाब बहुत मॉइस्ट और यमी बनेंगे। यहाँ पे मैंने पानी 6 ग्लास लिया है और लो फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, दाल, चिकन और हमारी पोटली। उसके बाद लहसुन अदरक ऐड करेंगे, मिर्चें, प्याज ऐड करेंगे, आप चाहें तो एक अदद आलू भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे लाइटली और उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हम सारे ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गल ना जाए। तो ये देखें बॉईल होना शुरू हो गया है। हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है और इसी तरह से चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे से लग ना जाए, और फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है। तो आप देख सकते हैं इसका पानी पहले से ज़्यादा खुश्क हो चुका है, तो इसे भी थोड़ा सा और बॉईल करना है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे चने की दाल और चिकन अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम चिकन के पीसेस अलग कर देंगे और उसको श्रेड कर देंगे, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसे हमने पोटली निकाल देनी है और दाल को हमने अच्छे से ग्राइंड कर देना है। तो ये देखिए मैंने उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। थोड़े से मिक्सचर में मैंने हरा धनिया डालकर ग्राइंड कर दिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे श्रेडेड चिकन। चिकन ऐड करने के बाद इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और शामी कबाब का मिक्सचर
हमारा रेडी है। अब हम इससे शामी कबाब बनाएंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं और किसी भी साइज के बना सकते हैं। मैं ज़रा छोटे साइज के बना रही हूँ। साइज आप पे डिपेंड करता है, आपने बड़े बनाने हैं या छोटे। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। आप चाहें तो कबाब मेकर भी यूज़ कर सकते हैं या हाथों की मदद से बना लें। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे और किसी ट्रे में रख देंगे फ्रीज होने के लिए। जब कबाब हमारे अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएं तो हम इसे किसी कंटेनर में डाल देंगे और उसे फ्रीजर में रख देंगे। तो आपके कबाब कभी भी ख़राब नहीं होंगे अगर आप इसे फ्रीज करके रखेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखें, इसी तरह से मैं बाकी के भी बना लूँगी। इसके बाद मैं आपको इसमें से कुछ फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है यहाँ पे। अंडे में हम इसे अच्छी तरह से डिप करेंगे और ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो सके। एक साइड से फ्राई हो जाए तो टर्न कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी उसी तरह का कलर आ जाए। ये देखें, कबाब हमारे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इनका बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से और डिश आउट कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फी अमान अल्लाह।